हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए क्लास 12 का फिजिक्स। आप जानते हो कौन सा लेसन चल रहा है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत टॉप प्रयोग। प्रैक्टिकली आज हम सीखने को पाएंगे कि वास्तव में पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है। मतलब कि प्रैक्टिकली सबसे पहले प्रूव किया था डेविशन एंड जर्मर नामक दो वैज्ञानिक ने सन 1927 में। समझ गया ना? अब अगर मैं थोड़ा रिकैप आपको लिए करता हूँ, रिकैप में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। इसके पहले आए थे डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली का नाम भूल गए क्या जी? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़े नहीं हो क्या? तो आप पीछे जाके पढ़ लो ना, कौन आपको रोका है। पीछे का प्रीवियस लेक्चर बना हुआ है, देख के आओगे तब यहाँ पे और मजा आएगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कर, मतलब कि इसे डी ब्रॉय कहते हैं, बोलने वाले बोलते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली को डी ब्रॉय बोलते हैं, समझ लेना भाई। कोई आएगा अंग्रेजी वाला तो बोलेगा डी ब्रॉय पढ़े हो, तो कहोगे सर डी ब्रॉय क्या होता है, वही डी ब्रोगली को डी ब्रॉय भी कहा जाता है जी। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो वह वेव नेचर को शो करेगा। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए हो तो पता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं, ये मार्कर दौड़ रहा है, एक किताब दौड़ रहा है, कॉपी दौड़ रही है, बेंच दौड़ रहा है, तो सब वेव नेचर को शो करेंगे। और डी ब्रोगली साहब की इस बात को बहुत लोगों को झटका लग गया था, तो उन्होंने डी ब्रोगली साहब से कहा था बताओ तो अगर सब लोग वेव नेचर के हैं तो उनका वेवलेंथ बताओ। तो कहा लो बताता तो हूँ मैं, लैम्डा बराबर एच बाई पी लो, जहाँ पे एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट और पी क्या है उस मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम है, निकाल लो। मेरे जितने बड़े आदमी का निकालोगे तो पता नहीं चलेगा, इतना छोटा आएगा तो मेजर ही नहीं कर पाओगे, उसको देख ही नहीं पाओगे, वेरी नहीं करेगा वो। लेकिन बहुत छोटे पार्टिकल के लिए निकालोगे ना तो बताएगा हम कितना है, वो बताएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा सूटेबल हुआ इनका ये हवाला, बहुत ज़्यादा सूटेबल किसके लिए हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल के, लाइक एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम तमाम, और छोटे पार्टिकल के लिए बढ़िया काम किया नहीं। लेकिन इनकी केवल हाइपोथेसिस थी, इन्होंने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था। प्रैक्टिकल कौन किया? डेविशन एंड जर्मर ने किया। लो हम प्रैक्टिकल करके तुमको बताते हैं, कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, यानी कोई भी मतलब पार्टिकल, अगर ब्रह्मांड में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना तो वेव नेचर को दिखाएगा। ये कौन बोला था पहले? डी ब्रॉय ने कहा था। इतना कहने के बाद उनको क्या मिल गया था? नोबेल पुरस्कार मिल गया था, और आप जानते भी बढ़िया से। उसके बाद डेविशन एंड जर्मर आया एक्सपेरिमेंट करे, हाँ बताए देख लो मेरे प्रैक्टिकल में भाई, इलेक्ट्रॉन वास्तव में वेव नेचर को शो करता है। इतनी बात क्लियर है ना? चलो अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात और जान लो, इसी में जीपी टॉमसन भी आया था इनके बाद। ये मतलब कि पहले ऐसे व्यक्ति थे, ये दोनों ऐसे मतलब वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले शो कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को दिखाता है। इसके बाद तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब लोग बनने लगे ना। इसके बाद जीपी टॉमसन भी निकाला था, नहीं सिमिलियर वही है अभी किए, लेकिन इनका सेटअप कुछ दूसरा था। जीपी टॉमसन ने भी मतलब जे टॉमसन के बेटे ने भी प्रूव कर दिया था कि यहाँ वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन है वह वेव नेचर को शो करता है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनका हमको पढ़ना है डिविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ना, बढ़िया पढ़ना एकदम, मतलब बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मजा कैसे आने वाला है? लेकिन पहले आपको मैं बताता हूँ ना, देखो भाई मतलब कि कठिन तो बिल्कुल नहीं है, मजा तो आने वाला है। आज हम पढ़ेंगे मतलब कि थोड़ा मोड़ा फील लेंगे क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स जो मतलब कि छोटे छोटे कणों की बात करता है, हम उसका भी फील आज ले लेंगे थोड़ा मोड़ा, तो आपको मजा आने वाला है। बस बोर मत होइएगा, आराम से देखते जिनका सेटअप मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ इस एक्सपेरिमेंट को। किताबों को पढ़ोगे तो हो जाओगे पागल, आएगा कुछ नहीं समझ में, यहाँ पे देखो मजा आने वाला है। तो हमने क्या कहा, जैसे आपने पढ़ा था YDSC शुरुआत में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग साहब ने प्रूव किया था कि मतलब कि पहले लोग क्या मानते थे, लाइट केवल रे को दिखाती है। यंग साहब ने कहा, हमने तुमको बताया ना, देखो मेरा वाला प्रैक्टिकल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसे दो छोटे छोटे होल हुआ करते थे, यहाँ पे स्क्रीन हुआ करता था, यहाँ पे लाइट सोर्स हुआ करता था, यहाँ पे कहीं पे मतलब ये जो इसे बोलते थे सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब कि हम लोग यही सोच रहे थे अगर रे को हम लोग जानते तो मतलब कि यहाँ से लाइट देंगे तो यहीं भर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा, फिर नीचे भी वही काम, मैक्सिमा मिनिमा, इसे सेंट्रल मैक्सिमा हम लोग बोलते थे, आपको याद होगा सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब कि सब कैसे होता था आपको मैं बता दूँ,
कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करता था, कहीं कहीं डिस्ट्रक्टिव हुआ करता था। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी थी, और जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव था वहाँ पे क्या थी, कम चमक थी, अंधेरा था, ऐसे चल रहा था। ये सब आप पढ़ के आओ, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा मैं अंदर तक बात नहीं करने वाला। अगर नहीं पढ़े हो तो आप मतलब यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करो, मतलब कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट योगेश सिंह, बहुत बढ़िया से आप देखने को मजा आने वाला है। मजा आपको वहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्क्रीन है, मान लो अभी मैं आपको फील दे रहा हूँ, फील ध्यान देना, फील है, फील ले लो बढ़िया से, मजा आने वाला है। यहाँ पे मान लो ऐसे है, ऐसे 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 है, ठीक है ना। यहाँ से मान लो हमारे पास एक ऐसा बंदूक है, मतलब कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हों, अगर मैं ट्रिगर दबाऊँ तो इलेक्ट्रॉन निकलते हों तेजी के साथ। ए मान लो बंदूक है ऐसा 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 ऐसा, इलेक्ट्रॉन निकलते हो नहीं, चलो अच्छा। इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग मान लिए हमारे मन में है तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन इन लोगों की बात कुछ दूसरी है ना भाई, वैज्ञानिक है ना, कोई बात नहीं। हमने सोचा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, अगर मैं ट्रिगर दबाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो जाके इकट्ठा होगा, यहीं जा कलेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ये तो हम सोच रहे हैं नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर चलाया गया ना तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। एक क्या बात है जी, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, अगल बगल कम इलेक्ट्रॉन, फिर ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ये क्या हो रहा है नहीं। यहाँ पे मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ यहाँ पे जो मतलब कि सेंट्रल जहाँ मैक्सिमा था, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए, सबसे ज़्यादा यहीं पे हो गए, और ये सब ऊपर कम ज़्यादा से मिला पैटर्न हमको। मैंने बोला मैं आपको फील दे रहा हूँ, फील हम पढ़ने वाले क्या हैं। अभी हम इनका डिवीजन जर्मर का मतलब सेटअप बनाएंगे, उनकी मशीन कैसे बनी थी सब बनाएंगे, मजा आने वाला है बिल्कुल भी। तो देखो यहाँ पे नंबर यहाँ पे ज़्यादा हो गए, फिर यहाँ पे कम ज़्यादा। एक बात और समझिएगा हमारी, जहाँ पे मैं बोलूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे बोलूँ मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे समझना कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज़्यादा है। अभी आपको फील नहीं हो रहा क्या, फील होगा 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 होगा, मतलब कहने का हमारे ये है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की बौछार कराऊँ और यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर हो, कोई कलेक्टर हो जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता हो, और उससे जोड़ दिया जाए गैल्वेनोमीटर जो करंट को मापता हो, तो सबसे अधिक धारा यहाँ पाई गई, समझे ना। अगर यहाँ से चल रहे हैं तो सबसे अधिक धारा यहाँ क्यों मिली, सवाल है ना। फिर यहाँ कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, लेकिन सबसे अधिक धारा यहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ। अब फील आपको हो गया होगा, अरे इलेक्ट्रॉन चला तो यहीं कहीं इकट्ठा होना चाहिए, करंट को खाली यहाँ और यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन करंट तो पूरे लाइन पे बन गया। कि मान लो एक वायर रहा हो, मतलब कि कोई भी स्क्रीन टाइप, स्क्रीन तो मैं समझाने के लिए आपको लिया है ना, ये मान लो कोई प्लेट रहा हो और यहाँ पे हमने मतलब कि तार को जोड़ करके गैल्वेनोमीटर में लगा लिया, यहाँ से कोई तार जोड़ करके गैल्वेनोमीटर में लगा लिया जाए, और तार यहाँ पे मान लो मूवेबल हो, तो यहाँ तार देखो, अगर यहाँ पे तार लगाया तो धारा इसमें बहुत ज़्यादा बहने लगी, यहाँ आए तो कम ज़्यादा कम कम ज़्यादा, ई क्या होने लगा इलेक्ट्रॉन के साथ, बहुत गड़बड़ हुआ नहीं। इसी को बोला गया या इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। अभी मैंने आपको फील दिया है, अच्छा मान लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा क्रियाकलाप किया गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसे मान लीजिए यहाँ पे छेद हो थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा विस्क्रीन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया हो, फिर इस प्लेट में मेटल का प्लेट है, क्रिस्टल है कह सकते हो मेटल का, फिर यहाँ पे तार जोड़ के लगाया गया गैल्वेनोमीटर, ये तार मूवेबल है, लंबा तार है, फिर देखा गया कि सबसे मतलब कि यहाँ पे भी देख, इस वाले मतलब मेटल पे भी देखा गया तार अलग अलग जगह करके, कहीं कहीं गैल्वेनोमीटर ज़्यादा धारा दिखा रहा था, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं कम। सोचो जरा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या ऐसा कर सकता है क्या, आप सोच रहे होगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकला होगा तार कहीं चिपक गया होगा, ये तो हम भी सोच रहे थे शुरुआत में, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि सिंगल इलेक्ट्रॉन निकला तो, लेकिन कहीं चपका नहीं, तो बता रहा है कि हम पूरे जगह धारा है। अगर कहीं चपक गया होता तो गैल्वेनोमीटर कहीं हिलना नहीं चाहिए था, लेकिन गैल्वेनोमीटर कहीं ज़्यादा कहीं कम हिलने लगा, हिलने का मतलब क्या, धारा पूरी जगह बड़ी पड़ी है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तब भी ऐसा हो गया। अब बताओ, अब कुछ दिमाग
खुल रहा है ना, बात पल्ले नहीं पड़ रही होगी अभी। अब सोच रहे हो सर इलेक्ट्रॉन तो टूट गया होगा, तब पूरी जगह बिखर गया होगा, तब धारा बनी होगी थोड़ी मोड़ी। नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल है जी, और उस छोटे पार्टिकल को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अभी तक इसको तोड़ कोई तोड़ नहीं पाया इस भौतिक की दुनिया में, समझे ना। अभी ये मुश्किल है टूटना, मतलब कि यहाँ पे अगर तुमने पढ़ा भी हो गार्ड पार्टिकल वार्टिकल, तो उसी बात छोड़ो, यहाँ पे हम लोग इधर श्योर हैं कि टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी धारा पूरे जगह बता रहा है, धारा यहाँ यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा। ये तो खाली फील दिया हूँ भाई, मैंने फील दिया है, मैंने बोला मैंने फील दिया है। अब फील को थोड़ा लेते हैं रियलिटी में लेके आते हैं, मजा आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना, आएगा पूरा आएगा। आगे चलते हैं, तो फिर स्टूडेंट देखते हैं इनका सेटअप क्या था। सेटअप इनका बड़ी मजेदार था, देखो इनके पास था पर इन्होंने क्या लिया एक ऐसे ऐसे, ध्यान से देखना मजा आने वाला है बिल्कुल, जानो समझ में 100% आएगा। यहाँ पे ऐसे लिया टंगस्टन का फिलामेंट, टंगस्टन का क्या लिया गया फिलामेंट, और इनको जोड़ा गया एक लो टेंशन की बैटरी से, लो टेंशन की बैटरी से। यहाँ पे क्या है लो टेंशन बैटरी, आई बात समझ में ना। लो टेंशन बैटरी मतलब कि कम वोल्टेज की बैटरी, लो वोल्टेज कह सकते हो कि बैटरी, तो से जोड़ा गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होने वाला है आप जान सकते हो, ये गर्म होगा अब, यानी कि मतलब कि गर्म होगा तो इसके अंदर एनर्जी आएगी, हीट वाली एनर्जी आएगी। और यहाँ पे हमने लगा एक, देखो ये टंगस्टन का फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है ना। अब लो जरा यहाँ पे लगाया गया एक बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग है कह सकते हो, यह क्या है बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग क्यों करी गई है, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग है, परत है उसकी ऐसे, इसके ऊपर मानो लगाई गई है, इसके ऊपर लगाई गई, थोड़ा हम अलग से लिए हैं, इसके ऊपर ही लगाई गई है। ऐसा होता है क्यों जानते हो, क्यों इसको लिया गया है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन, इसका जो बेरियम ऑक्साइड का होता है ना, इसका जो वर्क फंक्शन है वो काफ़ी कम होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई, फाई मतलब क्या, मतलब कि कम एनर्जी देने पर इससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं, मतलब कि कह सकते हो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन एमिटर है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन एमिटर है ऐसे कह सकते हो आप। अच्छा ये तब अगर ये गर्म होगा तो एनर्जी पाएगा, एनर्जी पाएगा तो इनको देगा, अरे भाई ये भी तो गर्म होंगे तब, जब इनके इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने बोला इनका वर्क फंक्शन काफ़ी कम है, यहाँ से रेडिएशन आ रहा है ना कह सकते, थोड़ा देर के रेडिएशन आ रहा है, ये वास्तव में इसी के ऊपर ही है, समझना मेरी बात को, कुछ है नहीं, इसी के ऊपर ही है, बहुत दूर नहीं है, इसी के ऊपर से चिपकाया गया, कोटिंग की गई है। तो मतलब कि कोटिंग करोगे रखोगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही, बेरियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये गर्म होगा तो इनको एनर्जी देगा, अरे भाई इन्हीं के ऊपर है, छोड़ो चलो छोड़ो। ये मान लो ऐसे मतलब इतना मोटा परत लगा दिया, समझ सकते हो आप, इनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएंगे तो उन वर्क फंक्शन कितना अगर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ तो समझ में आया ना सेटअप। अब यहाँ पे लिया गया एक बहुत ही पतले होल का सिलेंडर, सिलेंडर ये सिलेंडर समझे ना, ये क्या है, ये है सिलेंडर, सिलेंडर वो भी मतलब कि कह सकते हो पतले होल का, किस होल का है, पतले छेद वाला क्या है सिलेंडर, यानी जिसका मतलब कि ये जो वृत्तीय वाला है ना पार्ट तो बहुत पतला है। अब इस सिलेंडर को जोड़ दिया गया हाई टेंशन की बैटरी से, किसे जोड़ा गया है हाई टेंशन की बैटरी से, सिलेंडर को जोड़ा गया है हाई टेंशन की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब देखो जरा, और यहाँ पे लिया गया निकिल का क्रिस्टल, किसका क्रिस्टल लिया गया है, निकिल का क्रिस्टल, निकिल की स्पेलिंग NICHILE, आप इसलिए मिला लीजिएगा, ये वास्तव में निकिल है, हो सकता है स्पेलिंग कहीं गलती हो, लग रहा है गलती है, ये निकिल का क्रिस्टल है, ठीक है ना, ये निकिल का क्रिस्टल लगा दिया गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे लगाया गया एक सर्कुलर, ऐसे देखो जरा, इस सर्कुलर है ठीक है ना, सर्कुलर स्केल है, कुछ है नहीं, ये सर्कुलर क्या है,
स्केल है, इसका नाम क्या है, सर्कुलर स्केल है, समझे ना। मैं आपको बना बना के चाहता तो एक बना के समझा देता, लेकिन आपको मैं लाइन से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कैसे बन रहा है, ठीक है ना। सर्कुलर स्केल है और यहाँ पे थोड़ा मतलब कि पूरा सर्कल ही पूरा का पूरा है, लेकिन एक मिनट रुक गए, थोड़ा देख लो कि आप सही से देख पा रहे हो इसको, तो लग रहा है कि आप सही से देख पा रहे हो, सब बढ़िया दिख रहा है, एकदम मेंटेन। अब लो यहाँ पे अब एक लगाया गया है, एक लगाया गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर या फिर कह सकते कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, अब तुम सोच रहे हो क्या है, क्या तुम्हें लगा हुआ कर रहे हो, नहीं कुछ है नहीं, बस समझ में, चिंता ना करो। और इससे जोड़ा गया है एक गैलोनोमीटर जो करंट को नाप के बताएगा। अब सुनो हमारी बात को, होने वाला क्या है, अब यहाँ से लो बैटरी जो लो वोल्टेज की बैटरी है इनको आप चालू करोगे तो ये फिलामेंट गर्म होगा, फिलामेंट गर्म होगा तो ये बेरियम ऑक्साइड की जो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन होंगे एनर्जी पाएंगे, एनर्जी पाएंगे तो आगे निकलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आगे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही बीम पुंज समूह निकलेगा यहाँ से, और बेटा समूह भले निकलेगा बट यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हाई टेंशन की बैटरी जोड़ के रखी इस पतले सिलेंडर में, सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना सब ऐसे यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर सबको खींच लेगा ना, ये सबको खींच लेगा, और सबको खींच लेगा तो उनको एक्सीलरेट करेगा और अधिक वेग उनको देगा, कहेगा अभी निकले तो फटाक से निकाला इनको, मतलब कि अभी निकले तब तक यहाँ इनका रास्ता यहाँ था, भाग तो चाहे कहीं भाग सकते थे, लेकिन ये तो लगाया गया है ना कि इनको पकड़ के ले आया, किताबों में ऐसे बना होता है ये पूरा डिब्बे में कर देते हैं, डिब्बे में तब ऐसे निकालते हैं, अरे भाई सिलेंडर ऐसे करते ऐसे 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 ऐसे, नहीं समझ आ रहा, ऐसे 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 ऐसे, ये सारा स्टेटअप इसी में होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आप इसको भी ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना। चलो अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकले फटाक से इसके अंदर गए, इनका रास्ता इधर था क्योंकि बुला लिया और बहुत तेज वेग से इनको आगे भेजा, और आगे इलेक्ट्रॉन से निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन निकल इसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का गन, इलेक्ट्रॉन गन कह सकते हो, नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाई टेंशन का लगा है बैटरी ताकि इनको खींच ले तुरंत, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले 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 यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराए तो ये टकरा के कहाँ आए, इधर आए, इलेक्ट्रॉन टकरा के कहाँ आने लगे, इधर आने लगे, लो मजा आने लगा। लेकिन जानते हो एक बात सुनो हमारी, जो हाई टेंशन की बैटरी है ना, जो हाई टेंशन की बैटरी है वो लगभग ऐसे कर सकते हो 40 से लेके 70 के बीच की वोल्टेज दे सकते हो यहाँ पे, कहाँ से देखो, मान ले आप, आपने यहाँ पे हाई टेंशन की बैटरी मान लो 20 वोल्ट की बैटरी दी, 20 वोल्ट की अगर बैटरी दोगे, 20 वोल्ट यहाँ पे पाँच बहुत मुश्किल से 6-10 वोल्ट हो सकता है, यहाँ पे 6-12 वोल्ट जो भी है, यहाँ पे मान लो आपने 20 दिया, निकालेगा तो, लेकिन टकरा के देखो इलेक्ट्रॉन चले यहाँ पे टकरा के आएंगे, इसमें कलेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, कलेक्ट होंगे तो यह धारा बताएगा, लेकिन जब ये मतलब कि बहुत कम वोल्टेज दिया गया तो धारा का मान बहुत ही कम था, धारा का मान क्या था, बहुत ही कम था, मतलब कि एक गैलोमीटर की सुई हिली तक नहीं, ऐसे कह सकते नगण्य के बराबर हिली, तो जो मतलब एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे कह सकते हो कि 44 या 40 या 42 के बीच से लगभग 68 वोल्ट तक देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, अगर इतने वोल्ट की बैटरी लगाया हो तो ये मतलब कि इसमें थोड़ा सा जो इसका नीडल होगा ना गैलोमीटर का करंट को शो करेगा, समझ में आई बात हमारी ना, उससे कम नहीं, 10-20 बहुत कम होता है, 10-20 वोल्ट का दोगे ना पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब बढ़िया देखने को कैसे मिलता है, 40-42 से लेकर 68 वोल्ट तक की बैटरी जोड़ दोगे ना तो आराम से हिलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन टकरा, ऐसी बात नहीं कि इलेक्ट्रॉन बस यहीं टकराएंगे, ऐसा बिल्कुल बात नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी टकराएंगे, यहाँ भी यहाँ, मतलब कि ये मूवेबल है, जो डिटेक्टर है ना मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, ऐसे लिख लो मूवेबल है, इनको यहाँ ले जाओगे यहाँ ले जाओगे यहाँ ले जाओगे, मतलब इनको हिलाओ डुलाओ इलेक्ट्रॉन हर जगह तो टकरा जाकर, मतलब कि यहाँ से टकरा इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे होंगे, ऐसी बात थोड़ी है कि यहीं भराएंगे, समझे ना। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, आ रही होगी बिल्कुल, अरे निकले टकराए आए तो यहाँ पे आए यहाँ पे अब थोड़ा मोड़ा मतलब इस वोल्टेज के बीच हमको मतलब देखने को मिल रहा है कि गैलोमीटर की सुई हिल रही है, हाँ करंट अब हो रहा है, नहीं अभी इसमें भी क्या हुआ,
देखो जरा मेरी बात को सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। इससे कम वोल्टेज पे ना नगण्य के बराबर दिखाता है, तो उसको हमको ऑब्जर्व ही नहीं करना। समझ रहे हमारी बात को ना, तो समझने का प्रयास करिएगा। तो हमको लग रहा है कि आप बढ़िया समझ रहे हो बच्चों, ठीक है ना। तो एक बात और यहाँ पे जानते हैं, ऐसे जान लो कि जो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, ध्यान से देखो जरा, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़्यादा हुई, जहाँ पे कम वहाँ पे क्या हुई, रीडिंग कम हुई। यानी कि क्या देखने कर सकते हो, कहीं पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, वहाँ पे धारा का मान ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, वहाँ पे धारा का मान कम होगा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? हिल सकता है आगे पीछे, यहाँ टकराए होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी बहुत जगह होंगे। और एक बात और जान लो, ये सारी फेनोमिना जानते हो, इस वोल्टेज के अंदर 42 या 44 वोल्टेज से 69 वोल्ट के अंदर हो रही थी ये सारी फेनोमिना। इससे नीचे नहीं हो पाओगे, इससे नीचे तो करंट दिखाता ही नहीं था। किस वोल्टेज पे हो रही थी? 42 वोल्ट या 44 वोल्ट से कहाँ तक, 69 वोल्ट के अंदर ही सारा काम हो रहा है। यहाँ पे इतना हाई, मतलब कि उतना हाई टेंशन का बैटरी लगा है तब इतना हो रहा है। कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा हुए होंगे वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, वहाँ पे धारा का मान ज़्यादा हुआ होगा। जहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए होंगे वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा होगा, वहाँ पे धारा का मान कम रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं सर, आप पढ़ाते चलो, मज़ा तो हमको आ ही रहा है। अच्छा एक बात देखो जरा, अब इनके बीच के एंगल को बोला गया फाई। इनके बीच एंगल क्या बोला गया? फाई। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मतलब कि इन कह सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे हैं, आ रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे फाई बोलते हैं। तो आप हमारी बात को समझ पा रहे हो ना। तो हमने क्या देखा, अलग अलग एंगल पर, हमने क्या देखा कि अलग अलग एंगल पर, अलग अलग एंगल पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी अलग अलग थी। आई एन टी इंटेंसिटी क्या थी? अलग अलग थी। अलग अलग एंगल पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या थी? अलग थी। फाई का मान मतलब कि फाई का मान कम तो धारा का मान कम था, फाई का मान ज़्यादा तो धारा का मान थोड़ा ज़्यादा, फाई का मान ज़्यादा धारा का मान ज़्यादा था। ऐसे मान लो मैं इनका ग्राफ ड्रा करता हूँ, जैसे तुमको दिखाता हूँ ग्राफ के बारे में। ग्राफ जैसे मान लो ये हमारा फाई है और इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब समझ सकते हो कि मतलब कि गैल्वेनोमीटर के नीडल का हिलना, ज़्यादा कम हिलना। मान लो 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट पे मैंने काम किया, तो 20 वोल्ट पे जब काम किया तो यहाँ पे मान लो 10 डिग्री यहाँ पे मान लो 20 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री इसका मतलब कि कह सकते हो इनके बीच का एंगल जो है तो बहुत छोटा सा बना, बहुत छोटा सा, बहुत पर पता नहीं चला कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, पता नहीं चला। डिफ्लेक्शन ना, आई का मान ना कह सकते हो, पता नहीं चला कितना हुआ, समझ में नहीं आया। यहाँ पे एक कहानी ख़त्म करी, 40 पे आया तब भी थोड़ा मोड़ा हुआ, मान लो इसको 40 कर दिया तब भी थोड़ा मोड़ा ही हुआ, बहुत थोड़ा मोड़ा पता नहीं चला। लेकिन जब इसके अंदर आई 42 से 69 के अंदर आई तो जानते हो कमाल हो गया। यहाँ से मतलब कि हमको पूरा मिलने लगा कि हाँ वास्तव में हो क्या रहा है। यहाँ से हमको मान लो किसी ने दिया हो 46 वोल्ट का, तो यहाँ से हमको पता चलने लगा हाँ कुछ हो रहा है कि इस वाले एंगल पे, इस वाले एंगल पे इंटेंसिटी बहुत कम है, अतः यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इस वाले एंगल पे बहुत कम हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इस वाले एंगल पे ज़्यादा हो रहा है अतः यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अभी मैं खाली बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, आपको फील लेने के लिए बात कर रहा हूँ कि 10 डिग्री के एंगल की मान लो यहाँ कहीं की बात करी जाए, यहाँ पे धारा का मान कम था। धारा का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कम थे। इलेक्ट्रॉन कम मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, कहने का मतलब हमारे ये है कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम थी। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ इस सब सारा खेल मैं देखो भाई मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, 42 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में सारा खेल करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जानते हो एक समय ऐसा आया है इस वाले वोल्टेज के अंदर, हमने क्या देखा? एट 54 वोल्टेज, मतलब कि 54 वोल्ट पे 54 वोल्ट जब दिया मैंने तो फाई बराबर 50 डिग्री पर,
फाई बराबर 50 डिग्री पर 50 डिग्री 54 वोल्ट जब दिया मैंने इनको 54 वोल्ट से त्वरित किया तो 50 अंश पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। 50 अंश पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो गई, सबसे ज्यादा हो गई। अच्छा तुम लोग फील नहीं कर पा रहे हो लगता, नहीं फील करो ना यार, इलेक्ट्रॉन है तो सब जगह समान डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, सब जगह समान डिफ्लेक्शन तो करंट सबका समान होना चाहिए था, लेकिन कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, सवाल तो वही है ना। और यार एक मतलब कि यही सेंट्रल मैक्सिमा है, यही क्या है, यही सेंट्रल मैक्सिमा है। 50 डिग्री पर 54 वोल्ट की 50 डिग्री पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का देना, यही वास्तव में सेंट्रल मैक्सिमा बता रहा है। और इसके अगल बगल कम ज़्यादा कम, यानी कि इस वोल्टेज के अंदर इसके अगल बगल इतना कहीं नहीं था, सब जगह कम था, सब जगह क्या था, कम था। सोचो जरा, लेकिन यह बात मज़ेदार और बनी, यह बात मज़ेदार और बनी, जानते हो कब बनी स्टूडेंट, मज़ेदार बात तब बनी जब डिविशन और जर्मर ने इसको इतना पतला कर दिया कि इसमें से केवल अब 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। समझना बात को, अब मजेदार बात कब बनी, जब इसमें से अब केवल 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इतना मतलब फाइन होल कर दिया गया, इतना पतला होल कर दिया गया, 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। समझो बात को क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला और टकराया, टकरा के यहाँ पे आया, इनके निकल के क्रिस्टल से टकराया, टकरा के यहाँ आया। अब देखो जरा बात देखो, अब ऐसा देखा गया ना कि मतलब ये मतलब डिटेक्टर कहीं भी जाए करंट हर जगह दिखने लगा, 1 इलेक्ट्रॉन करंट हर जगह दिखने लगा इसका, कितनी अजीब बात, 1 इलेक्ट्रॉन आया यहीं कहीं चपक गया होगा, हो सकता है, तो कैसे यहाँ भी करंट, यहाँ भी करंट, यहाँ भी करंट, यहाँ भी, और उस समय भी एक जगह सबसे ज़्यादा हो गया, और उस समय भी मतलब कि 50 अंश पर सबसे ज़्यादा हो गया। ये सब डाटा याद रखना, 54 वोल्ट के 50 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आप यानी कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन सबसे अधिक हुआ था, ये डाटा याद रखना, याद करना पड़ेगा वो सब। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यह बात कैसे हुआ, अब सोच रहोगे सर इलेक्ट्रॉन टूट गया होगा, इलेक्ट्रॉन टूट गया होगा, यहाँ यहाँ पसर गया होगा, तो यहाँ पे हिलने लगा होगा ये, अरे वाह ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो वास्तव में मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, उसके तोड़ने के बारे में तुम सोचो भी मत, उसको तोड़ने के बारे में तुम सोचो भी मत। अब देखो जरा 1 इलेक्ट्रॉन निकला, फिर भी सब जगह करंट है, वो अभी कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। एक छोटा सा कण जिसे हम आज तक कण कहते थे, अब क्या वह कण कहने के लायक बचा, क्या आप कण कह पाओगे, कण अगर कहते तो यहीं पर चपक गया होता, कुछ हिल तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो सब जगह करंट अब भी बता रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। अब ऐसा कौन कर सकता है, सर वेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में चला होगा, यहाँ 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 आया होगा, तो कहीं पे ज़्यादा मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रहा होगा वहाँ पे मतलब कि इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वहाँ पे डिफ्लेक्शन कम रहा होगा। अब समझ में आ गया सर जी, इनका डिविशन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, तभी तो यहाँ पे डिटेक्टर हर जगह मतलब कि कलेक्ट करके इनको बता रहा है कि देखो हमारे मतलब कि यहाँ पे अमीटर या गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है, करंट है, 1 इलेक्ट्रॉन पर भी करंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर रखता है, वेव नेचर को शो करता है। और मैं आपको बता दूँ 54 वोल्ट पर 54 वोल्ट इंटेंसिटी है ना, आई है यहाँ पे 54 वोल्ट जब दिया गया, 54 वोल्ट याद रखना एकदम एक्यूरेट वैल्यू है 54 वोल्ट, और यहाँ पे एंगल रखा गया तो यहाँ पे मान लो 10 रहा होगा, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40 और कहीं रहा होगा 50, कहीं 60, तो ऐसा देखा गया कि 50 डिग्री के एंगल पर यहाँ पे 50 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी थी भाई।
जब 54 वोल्ट दिया गया, अब चाहे एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन का पुंज जानने उनका बीम के बारे में जानने पुंज मतलब कई इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच रहे हो, सबसे अधिक कहाँ मिला? 50 पर। यहाँ गिरा उठा, सबसे अधिक उठा 50 पे, फिर गिरने लगा आराम से। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, वही मैं बोल रहा हूँ कभी से, यहाँ हुआ होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्या हुआ होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे क्या हुआ होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे वाह, आपने सर जी तो मजा वाला दिया आज, तो आपने आज मजा ला दिया। यहाँ भी क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव। 90 पे गए हुआ, वहां भी डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा। नहीं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव किस देखेंगे अभी, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। एन लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा भी याद दिलाएंगे, परेशान ना होइए आप। तो ये पूरा सेटअप समझ में आया कि नहीं आया? सेटअप आपके समझ में आ गया तो बेटा अभी इसको हटा के थोड़ा आगे देख लेते हैं। क्या हुआ? यहाँ पे टंगस्टन का फिलामेंट लगा गया, लो वोल्टेज की बैटरी लगाई गई, इसको चालू किया गया, गर्म हुआ, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड का प्लेट लगा था या कोटिंग हुई थी, इलेक्ट्रॉन निकले, इस सिलेंडर से होकर के गए, यहाँ निकल के क्रिस्टल पर टकराए, इस पे इस डिटेक्टर में आए, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहीं पे कम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ पे करंट ज़्यादा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम वहाँ पे करंट कम होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहीं कहीं कम थे, ये बिखरे तो समान नहीं बिखरे, कहीं कहीं ज़्यादा जमा हो गए, कहीं मतलब कि मैक्सिमम पे ज़्यादा हो गए, फिर कम होने लगे, कम 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 आगे जाते तो कम होने लगे। तो कम होने का मतलब क्या, आगे जाते जाते कम अगर होने, इसका मतलब क्या है? वेव नेचर रखते हैं ना, ऐसा सिंगल के साथ भी हो गया। तो समझ में आ गया ना, चलो आगे चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। तो बच्चों आपके मन में भी चल रहा होगा ना कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हुआ होगा, समझ में सर नहीं आ रहा। नहीं, तो इसको प्रूव करने के लिए आया ब्रैक्स लॉ। कौन लॉ आया? ब्रैक्स लॉ। ब्रैक्स ने अपने को सुझाव दिए। ब्रैक्स लॉ क्या कहा? देखो भाई, ब्रैक्स ने यही कहा था ना, क्योंकि तुम्हारे किताब का अब खत्म हो गया, कच्चा 12वीं का अब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप बढ़िया जान लो क्या होता है। ब्रैक्स लॉ ने कहा ना, जहां पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर 2d साइन थीटा रहा होगा, वहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। वहीं पे क्या हुआ होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। आपके दिमाग में बात पड़ी नहीं ना, हम भी समझ सकते हैं आपकी बात को। इन्होंने कहा 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, जहां पे डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ क्रिस्टल। क्या सर ये क्या क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है ना। और यहाँ पे एन क्या है? एन यहाँ पे एन है नंबर ऑफ ऑर्डर लेयर। यहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर लेयर कह सकते हो। अब ऑर्डर लेयर किसका है? क्रिस्टल का है, ऑफ क्रिस्टल, ऑफ क्रिस्टल, crystal, ठीक है ना। और थीटा क्या है? थीटा भी दिखाते हैं आपको, आप परेशान ना हो, थीटा भी दिखाते हैं। थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंगल, ऐसे कह सकते, इंसिडेंट रे ऐसे कह सकते हो। थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड क्रिस्टल लेयर। अरे सर ये तुमने इतना क्या क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम। समझाते समझाते देखो 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 ये देखो, ये निकिल का यहाँ पे देखो, ये निकिल के यहाँ पे मतलब कि हमारे पास क्रिस्टल था। अब क्रिस्टल के कई लेयर होते हैं भाई, क्रिस्टल के कई लेयर होते हैं। देखो जरा, ये मान लो पहला लेयर, ध्यान से देखना, ये मान लिया दूसरा लेयर, ये मान लिया तीसरा लेयर। पहले लेयर में मान लो यहाँ यहाँ एटम है, 1 2 3 4। दूसरे लेयर में मान लो यहाँ पे क्रिस्टल को हमने लेयर में डिवाइड किया। उस बात को समझने के लिए, क्रिस्टल को हमने किस में डिवाइड किया? लेयर में डिवाइड किया। चलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लो आया होगा, 5 बना लो क्या जाता है। यहाँ से मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, चल के इंसिडेंट हुआ होगा एक इलेक्ट्रॉन, इनसे मान लो टकराया होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है,
ठीक है ना, यहां से यूं टकरा के ऐसे गया होगा डिटेक्टर में, ऐसे गया होगा, नहीं ये रिफ्लेक्शन है, इंसिडेशन, और यहां पे क्या है रिफ्लेक्शन है। और आपको मैं बताऊं ना, इंसिडेशन और रिफ्लेक्शन के बीच एंगल ही क्या था, फाई था। नहीं याद, नहीं याद सर, नहीं याद आ रहा, जरा बताने का प्रयास करो तो। अरे यहां पे देखो, यहां पे निकल का लेयर था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे और यहाँ से टकरा के आ रहे थे, इनके बीच एंगल फाई यही था ना, वही तो है। देखो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इनके बीच एंगल फाई यही है कि नहीं है, यही है। चलो ठीक है। अच्छा मान लो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे आया हो, ए ऐसे आया हो, इनसे या टकराया हो, ए ऐसे गया होगा, बात कुछ जमी कि नहीं जमी। अब देखो जरा क्या हुआ यहाँ पे, इनमें और इनमें क्या पाथ डिफरेंस है कि नहीं है, सवाल हमारा यही है। इनमें और इस वाले इलेक्ट्रॉन में, इस वाले पाथ में और इसके वाले पाथ में पाथ डिफरेंस है कि नहीं है, है। इन्होंने कम दूरी तय की है, इसने ज़्यादा दूरी तय किया है। ब्रैग्स ला समझा रहा हूँ मैं तुमको, समझ में आना चाहिए, मजा आएगा। मैंने बोला ना इन्होंने कम दूरी तय की, इन्होंने ज़्यादा दूरी तय की, ब्रैग्स मतलब कि यहाँ पाथ डिफरेंस है कि नहीं है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस होने के नाते अब कितना है देखो, यहाँ देखो अगर बराबर लेके आओगे, चूंकि ये ऐसे ही हैं, ए ऐसे बराबर लेके आओगे तो यहाँ तक का पाथ केवल इनके दोनों बराबर हैं, इधर वाले का इधर तक का पाथ दोनों बराबर है, बस। यानी कि इतना पाथ डिफरेंस ज़्यादा हो गया, इतना पाथ डिफरेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो, इतना ऐसे कह सकते हो। ये मान लो एम है, ये एन है, ये ओ है, तो एम एन प्लस एन ओ कितना पाथ डिफरेंस है, ध्यान देना। हमने बोला पाथ डिफरेंस कितना का आ रहा है, पाथ डिफरेंस आ रहा है यम एन प्लस एन ओ, ठीक है ना, इतने का पाथ डिफरेंस। अभी भी देखो जरा, यही होता है स्मॉल डी, जो स्मॉल डी लिखा है ना, यानी कि दो क्रिस्टल लेयर के बीच की दूरी, यही क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना। अब देखो यार, अब फाई थीटा क्या, थीटा थीटा देखो बढ़िया से, देखो ये वास्तव में फाई है, ये तो फाई है ना, और ये हवाला जो इंसिडेंट आ रहा है, इंसिडेंट वाला रे कह सकते हो समझने के लिए, और इस मतलब कि इस लेयर के बीच का एंगल यही थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो अभी तो ऐसे ही आ रहा है ना, तो ये अभी कितना होगा हमारे पास, थीटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर ये थीटा होगा तो हमारा बच्चों ये तो ओ भाई, देखो भाई ये ओ मिल जा रहा है नहीं, वो यहाँ बनाओ, और ये अभी क्या होगा हमारा, देखो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि यार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण परावर्तित, मतलब कि अगर ऐसे बांटा जाए ना, ए तो नॉर्मल गिरेगा, नॉर्मल गिरेगा तो ये कितना होगा, 5/2 होगा, और ये भी कितना होगा, 5/2 होगा, तो इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर हमने पढ़ा है ऐसा। चलो ठीक है। अच्छा तो ये वाला भी एंगल इसे क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, सब हो जाएंगे, सब बराबर होंगे। अब देखो जरा ये क्या गिरा है, लंब गिरा है नहीं, अगर मैं इसको निकालूं ऐसे बाहर थोड़ा जूम करके, ये मान लो ये वाला पी है बिंदु, अगर ऐसे इनको निकाला जाए, ए देखो ए रे आ रही थी और यहाँ पे ऐसे था, या इस पे ये वाला लंब है, ये वाला पोर्शन लंब है, और सोचो मिनट के लिए जरा, अगर ये लंब है ना, ये हमारे पास लंब है और यहाँ पे बीच में एक नॉर्मल भी तो गया है वास्तव में, देखो फिगर उल्टा मत बनाइए, ये नॉर्मल है ना, ये वास्तव में क्या है, ये नॉर्मल है, ये वाला ये नॉर्मल है, यानी कि ये पूरा 90 का होगा, ये वाला नॉर्मल गिरा है ना, ये पूरा देखो मैंने क्या बोला, ये वाला थीटा हुआ, यह तो हो गया थीटा, और पूरा 90 का था, तो है कितना बचा, 90 - थीटा बचा, कितना बचा, 90 - थीटा बचा। अब हमको बेटा बताओ जरा, अगर 90 - थीटा है तो इसके सामने वाला बनेगा लंब, यह क्या बनेगा लंब, और 90 के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगी, कर्ण, हाइपोटेनियस बन जाएगी, और यह क्या बन जाएगी, आधार, यह क्या बन जाएगी, आधार, हमको आधार जानना, यही तो, क्योंकि यही तो पाथ डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का बराबर है, यही बचा यह वाला पाथ डिफरेंस, और यह वाला दोनों आपस में बराबर ही होंगे। अब कैसे पहले इसको निकाल लेते हैं बताते हैं आपको, अब इसको हमको निकालना है, यह पॉइंट P माने हो, यह वाला M माने हो, यह वाला N माने हो, चलो निकालते हैं इनको। ये हो जाएगा, हम चूंकि पढ़े हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण, आधार क्या है M N, और कोण क्या है,
और कर्ण है हमारा ए, देख रहे हो ना ए, और यह क्या है वास्तव में डी के बराबर है, तो मतलब कि दो लेयर के बीच की दूरी है डी है, और यहाँ पे कॉस थीटा है कितना है 90 माइनस थीटा है ना, तो गड़बड़ नहीं करने का, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर एम एन बाई डी, यानी कि एम एन बराबर क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। यह बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो रिवाइज कर लो एक बार। ये मैंने बोला इसको निकालना है, 90 गिराया, ये दूरी पता था, ये वाली दूरी डी पता है, ये वाला थीटा, तो ये वाला कितना बचेगा 90 माइनस थीटा बचेगा, यहाँ समझ सकते हो आधार बटे कर्ण कास लॉग कर दिया हमने, एमएन का दूरी निकाल लिया। उसी प्रकार सेम ये अभी होगा, ये पूरा 90 और ये थीटा, तो ये वाला कितना बचेगा 90 माइनस थीटा बचेगा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण बनेगा, फिर ये अभी कितना देगा, इसी प्रकार ये अभी देगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, देखो यनओ बटे डी, यनओ बन जाएगा आधार इसके लिए, इसको निकालोगे अगर ऐसे है लम, ये ऐसे है ए गया है और ये है ऐसे गिरा है ए, लंबौते वाला है ना ए लंब हमारा, अरे 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 रुक जाओ एक मिनट, ए गड़बड़ नहीं होने का, ये ऐसे गया ना ऐसे, देखो ए वाला पोर्शन बन गया, ऐसे गुजरा है, ए 90 का है पूरा 90 है, थीटा होगा तो कितना बचेगा 90 माइनस का थीटा बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, अब देखो जा रही है अभी तो यहाँ से लंब है, यह 90 है, इसके सामने भुजा कर्ण बनेगी और इस वाले की लंब बनेगी और ये आधार बनेगी, तो फिर बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यह डी है वास्तव में, फिर हम बोलेंगे एनओ बटे डी हो जाएगा, फिर इसका मान साइन थीटा होता है, तो फिर हम पा जाएंगे एनओ बराबर डी साइन थीटा, दोनों को जोड़ लिया जाएगा ना, तो एम एन प्लस एन ओ यानी कि डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा बराबर 2D साइन थीटा, पाथ डिफरेंस आ रहा है, पाथ इसे बोल सकते हैं डेल्टा यक्स, इसे हम क्या बोल सकते हैं डेल्टा यक्स, इसे हम बोल सकते हैं अर्थात डेल्टा एक्स बराबर 2D साइन थीटा, और हम जानते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हैं सर जी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है जी, डेल्टा यक्स बराबर, डेल्टा यक्स बराबर क्या होता है लैम्डा 2λ, 3λ, 4λ, डाट डाट डाट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत टफ। अब देखो एक बात और, यहाँ पे तुम नंबर ऑफ ऑर्डर लेयर ऑफ क्रिस्टल, यानी कि जो यन है ना, ये देखो ये पहला लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, चौथा लेयर, वहाँ नंबर लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखना है नंबर लिखना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर कौन सा है, तो हमने क्या बोला इसको यहाँ से जरा मिलाओ डेल्टा एक्स बराबर, अर्थात बोल देना ये डॉट डॉट कहाँ जाएगा एन लैम्डा लिखो पूरा ना, तो हम बोल देंगे अर्थात 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ये हो गया हमारे ब्रैक्स लॉ ने दे दिया हमको समीकरण, जहाँ जहाँ पे ऐसा पाथ डिफरेंस होगा वहाँ वहाँ क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहाँ वहाँ क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ यहाँ हुआ होगा। अरे वाह मजा आ गया सर जी, तुमने बहुत टाप टाप बात बताई हमको आज तो, 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, जैसा मतलब कि जहाँ जहाँ पाथ डिफरेंस हमको मिलेगा वहाँ वहाँ क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो समझ में आया कि नहीं आया, अगर आपको समझ में आ गया तो इसको आप नोट कर लो, कुछ किया नहीं गया है, हमें देखा गया कि मतलब ये वाला आएगा तब भी पाथ डिफरेंस बनेगा, उसका निकाला जाएगा उसके लिए कुछ और आएगा, कोई और आएगा तो उनके लिए पाथ डिफरेंस बनेगा, सबके लिए बनेगा, लेकिन आप इतने समझे कि समझे, बहुत आगे जाने की आवश्यकता नहीं, आपको इतना फील हो गया ना, फील हो गया तो बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है ना, आप इसको जान नोट कर लो फटाक से, आगे चलते हैं फिर। इसी क्रम में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे पता चल जाता है कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस एकदम 100% सही था, कैसे देखो जरा, अभी अभी आपने पढ़ा ना फॉर कंस्ट्रक्टिव या फिर मैक्सिमा के लिए 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ठीक है ना,
चल, अभी अभी आपने फिगर बनाया था ना, ऐसे लेयर बना के लेयर बना के लेयर बना के यहाँ पे ऐसे आया था, टकरा किसे गया था, इन्हीं एंगल के, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल फाई, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल बनता है वही फाई बनता है, वही क्या होता है हमारा फाई होता है। और ऐसे डिवाइड कर दोगे बराबर बराबर, तो जगह 5/2, एक जगह 5/2। सवालों में ध्यान देने पड़ते हैं कि कभी कभी फाई दिया रहता है तो बच्चे उसी को गुड मार के चले जाते, तो भी सवाल में दूंगा आपको बढ़िया सा। और ये वाला हमारा मान लो ठीक है, ठीक है ना, एक फाई और एक क्या मतलब कि मान लिया थीटा है वाला लेयर, और इनकी जो इंसिडेंट के एंगल के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, चलो ठीक है। हम जानते हैं फार निकल के लिए डी का मान होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। चलो, और अब चूंकि हम जान रहे हैं, चूंकि थीटा प्लस 5/2 बराबर क्या होता है, 5/2 प्लस थीटा कितना टोटल 90 है ना, 90 हो जाएगा हमारा, थीटा प्लस 5/2 क्या हो जाएगा 90। चलो फाई का मान 50 लिया हमने, फाई का मान कितना लिया है 50, अधिकतम वाला भाई, इसी पे सबसे अधिकतम मतलब कि इंटेंसिटी होती है, तो 50 तो 25 यहाँ हो जाएगा, तो थीटा का मान उधर जाएगा 25, तो 65 डिग्री हो जाएगा, नहीं अतः हम बोलेंगे अतः हो जाएगा 2 × 0.91 एंगस्ट्रॉम × sin 65 डिग्री इज इक्वल टू, यन का मान 1 है पहले वाले क्रिस्टल के लिए और लैम्डा का मान नहीं पता, तो लैम्डा का मान निकल के आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्स में, यहाँ से सॉल्व किया गया तो लैम्डा का मान कितना आया 1.65 एंगस्ट्रॉम लगभग आया हमारा, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब जरा याद करो डी ब्रोगली साहब को, डी ब्रॉय, डी ब्रोगली ने क्या कहा था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लेकिन फार इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है ना लैम्डा बराबर कर्णी में 150/v, और ये थीटा मतलब फाई 50 डिग्री पे है और यहाँ पे वोल्टेज कितने का 54 डिग्री, अरे 54 वोल्ट, कितने का 54 वोल्ट का, 54 वोल्ट के 50 डिग्री पर अधिकतम इंटेंसिटी थी लैम्डा का मान इतना है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इनको देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या पढ़ा, लैम्डा बराबर रूट में 150/v, जिसको रखो जरा 54 पे, तो 150/v ये हो जाए, वी का मान 54, ये अभी कितना आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम में उतर देगा, ये अभी आ गया 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो अब देखो जरा, ये हमारे ला साहब, ब्रैक साहब थे, डिविशन जर्मर साहब थे, सब लोग लगाए कि डी ब्रोगली पहले ही कह चुके थे, यह बात प्रूफ हो गई कि हाँ डी ब्रोगली सही बोल रहे थे, डी ब्रोगली क्या कर रहे थे, सही बोलते थे, यह बात सबको समझ में अब आ गई, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, अब तो क्लियर हो गया ना। अरे सर ये आपने तो पूरा क्लियर कर दिया, अब जाके क्लियर हुआ है कि डी ब्रोगली एकदम सही थे, अब जाके क्लियर क्या हुआ है कि डी ब्रोगली एकदम क्या थे, सही थे, 54 वोल्ट पर। देखो इलेक्ट्रॉन के ये लैम्डा का मान इतना आ रहा है, अतः इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, और आपको बताते चलें तो आगे चलते चलते प्रोटॉन के लिए चाहे न्यूट्रॉन के लिए आयोडीन के कणों के लिए सबके लिए यह बात सिद्ध हो गई, सभी कण क्या दिखाते हैं, वेव नेचर शो करते हैं, ठीक है ना, सभी कण क्या करते हैं, वेव नेचर को शो करते हैं। और अगर आपने इतना देख लिया है तो आप कक्षा 12 के लिए आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपको मज़ा आया होगा। एक छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूँ, आप उसको यहीं बगल में लगाते हैं उसको भी, एक छोटा सवाल मैंने आपके लिए लिखा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया रहे, ऐसे मान लो लेयर हैं क्रिस्टल के और ये पहले वाले का है ये ऐसे, और यहाँ पे क्या है ऐसे, और यहाँ पे क्या दिया है ऐसे दिया है, और ये वाला दिया है आई, इंसिडेंट एंगल क्या दिया है आई दिया है, तो बोल रहा है बता दो फार मैक्सिमा क्या करना है, फार मैक्सिमा के लिए क्या होगा, तो सूत्र लगाओगे क्या, 2d sin θ = n λ, क्योंकि मतलब कि चार ऑप्शन है इनके पास, चार ऑप्शन में कौन कौन सा है, पहला ऑप्शन है कि 2d sin i = n λ, दूसरा है 2d cos i = n λ, बस दो ही के लिए दिखा लेंगे हम लोग, बहुत कुछ नहीं है, अब हम दिखा लेंगे हम लोग, नहीं
अब देखो जरा कौन सही है इसमें, तो कोई वही बच्चा बोलेगा सर 2D साइन आई बराबर लैम्डा आई का मान रख दिया, सही तो हो गया, हो जाएगा गलती, हो जाएगा क्या गलती है भाई, देखो यहाँ पे क्या है, ए वाला हमको एंगल लेना है ना, ए वाला एंगल लेना है, तो ये हो जाएगा मतलब कि थीटा प्लस आई बराबर 90, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आई बराबर एन लैम्डा ए 2D कॉस आई बराबर एन लैम्डा, यानी कि सेकंड नंबर क्या है सही है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी रोचक लगा होगा, काफ़ी पसंद भी आया होगा, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करो। देखो मैं आपसे बोलता हूँ ना कि एग्ज़ाम आने वाला है, अब तो मतलब कि एग्ज़ाम के चार मतलब कि टाइम टेबल शीट भी आपके पास आ गए होंगे, आपको पता है 24 से एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है 12 का, तो मेहनत के साथ आप पढ़ाई करो ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक गेन कर सको। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, मन लगा के पढ़ो, ऑल द बेस्ट।